क्या कमाल का मंडे नाइट रॉक एपिसोड था आज का। ड्रू मैकइंटायर के प्रोमो ने रेसलिंग वर्ल्ड को हिला के रख दिया। इसके अलावा फर्स्ट टाइम एवर बॉबी लैशली वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच था शो के ऊपर। आज इजीकियल का पूरा परिवार दिखाई दिया हमें पहली बार। क्लैश ऑफ द कासल के लिए दो बड़े मैचेस अनाउंस हो गए आज। डेक्स्टर लूमिस एक बार फिर अजीब हरकतें करते हुए पकड़े गए। देखते हैं क्या कुछ हुआ आज रॉ पर। सारे मैचेस और सेगमेंट्स को देखेंगे वन बाय वन। सो हेलो गाइस, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं पॉप कल्चर रेसलिंग। मंडे नाइट रॉ को ओपन किया जजमेंट डे ने। डेमियन प्रीस्ट ने बात करी मिस्टीरियोज के बारे में और फिर एज के बारे में बोलते हैं डेमियन प्रीस्ट। क्लैश ऑफ द कासल के लिए इनका मैच ऑफिशियल हो गया एज वर्सेज डेमियन प्रीस्ट का। एज बिल्डिंग में आज नहीं थे सो इनके बीच कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, लेकिन आज रे मिस्टीरियो अलग ही फॉर्म में नजर आए। जब फिन बैलर ने बताया कि रे मिस्टीरियो बिल्डिंग में नहीं है, तभी पीछे से रे मिस्टीरियो आके जजमेंट डे पर अटैक कर दिया और डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर को किनारे लगा दिया। लेकिन रे मिस्टीरियो रिया रिपली को हिट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एंड में जजमेंट डे ने स्टैंड टॉल किया। इसके बाद मैच था विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का, एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का वर्सेस निकी एएसएच एंड ड्रू ड्रॉप के बीच में। इस मैच में विनर रही एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का की टीम। वुमेंस डिवीजन का एक और मैच था डैना ब्रूक वर्सेस डकोटा काई का, जिसमें डकोटा काई ने इंप्रेसिव तरीके से डिफीट कर दिया डैना ब्रूक को। क्लैश ऑफ द कासल में बेली डकोटा काई और योस्काई की टीम का मैच है अगेंस्ट बियांका बेलेयर की टीम। सो उसके अराउंड ही सारी स्टोरी यहाँ चल रही है। अब आते हैं दो बैक स्टेज सेगमेंट्स पर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। फर्स्ट था थियरी और डॉल्फ जिगलर का बैक स्टेज ब्रॉल। समर स्लैम के बाद मिस्टर मनी इन द बैंक थियरी आज दिखाई दिए रॉ में और ये ब्रॉल काफ़ी इंटेंस हो गई, जिसके बाद इन दोनों के बीच में आज शो के लिए मैच भी ऑफिशियल हो गया यहाँ से। दूसरा सेगमेंट था इजीकियल का। केविन ओवेंस ने ब्रूटली अटैक किया था इजीकियल के ऊपर लास्ट वीक, जिसके कारण वो इंजर्ड है स्टोरी लाइन में। आज उनका सीन दिखाया गया हॉस्पिटल बेड से, जिसमें उनके आसपास उनकी पूरी फैमिली दिख रही है। इजीकियल एलायस के साथ साथ चार लोग और हैं, एक तो शायद उनकी मदर, एक छोटा बच्चा था शायद यंगर ब्रदर है, और दो लोग और जो सबसे ज़्यादा फनी लग रहे हैं, एक उनके फादर और एक और ब्रदर प्रॉबेबली वही एलरॉन है जिसके बारे में चर्चा हुई थी मनी इन द बैंक के अराउंड। इजीकियल के फादर सबसे फनी लग रहे थे जब वो बात करते हैं इजीकियल की इंजरी के बारे में। ऑब्वियसली सारे कैरेक्टर्स एलायस खुद ही प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फनी बन जाएगी ये सोचा नहीं था। जब ये कैरेक्टर्स हम लाइव देख पाएंगे तो मज़ा आने वाला है। सेथ रॉलिंस और रिडल का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। सबसे पहले दिखाया जाता है कि रिडल कहीं बैठे हैं सैटेलाइट के थ्रू, उनका इंटरव्यू होने की तैयारी हो रही है। सेथ रॉलिंस रिंग में आके खड़े हो गए। सेथ रॉलिंस को लग रहा था रिडल अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन रिडल ने शॉक दे दिया रॉलिंस को। रिडल बताते हैं वो पूरी तरह से क्लियर हैं रसल करने के लिए और वो अपने घर पर नहीं बल्कि अरीना में ही मौजूद हैं। इसके बाद रिडल निकल के आए रिंग में एंड यहाँ भी अच्छी खासी ब्रॉल इनके बीच हुई एक बार फिर से। समझलाम इनका मैच कैंसिल हो गया था और सिर्फ एक ब्रॉल दिखाई गई थी, लेकिन आज इन दोनों का मैच अनाउंस हो गया है क्लैश ऑफ द कासल के लिए। मुझे फील हुआ इस मैच में कोई स्टिपुलेशन ऐड कर दी जाती तो और मज़ा आएगा इस मैच को देखने में, क्योंकि इनकी फ्यूड काफ़ी ब्रूटल रही है अब तक। देखते हैं क्या पता अपकमिंग वीक्स में कोई स्टिपुलेशन ऐड हो जाए इस मैच में। वीर महान अपीयर हुए आज रॉ पर काफ़ी टाइम के बाद, और उनका मैच था लोकल कंपेटिटर के साथ में। मिस्टीरियोज के साथ फ्यूड में थे वीर महान लास्ट टाइम जब वो अपीयर हुए थे, अब उनको रीबिल्ड किया जा रहा है। देखते हैं कब किसी इंटरेस्टिंग फ्यूड में डाला जाता है उनको। मिस एंड चांपा वर्सेज सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड मुस्तफ़ा अली का मैच था। बहुत टाइम बाद सेड्रिक अलेक्जेंडर दिखाई दिया आज रॉ के ऊपर। इस मैच में विक्ट्री मिली इजिली मिस की टीम को। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो हाईलाइट रही आज के रॉ की। ड्रू मैकइंटायर आया रॉ पर और जो स्मैकडाउन के सुपरस्टार हैं उनके आने का रीज़न था कि रॉ रोस्टर को ये बताने के लिए मैकइंटायर आए थे जब वो चैंपियन बनेंगे क्लैश ऑफ द कासल में, उसके बाद वो क्या करने वाले हैं। मैकइंटायर ने अपने प्रोमो में सबका नाम लिया बारी बारी से जिनके साथ वो मैच देंगे चैंपियनशिप जीतने के बाद। कैरियन क्रॉस, एजे स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस, लेकिन वो केविन ओवेंस को भूल गए। इसके बाद केविन ओवेंस निकल के आया और उनका ये पुराना वाला वर्जन जो रीपैकेज्ड होके आया है ट्रिपल एच के आने के बाद, इसमें वो बहुत धमाल मचाने वाले हैं। केविन ओवेंस और मैकइंटायर की प्रोमो बैटल हुई एंड दिस सेगमेंट वॉज प्योर गोल्ड। मैकइंटायर ने यहाँ पर अपना एग्रेशन दिखाया जो कि मुझे फर्स्ट टाइम दिखा उनके फेस टर्न के बाद से। उन्होंने बोला वी आर रेसलर्स एंड वी आर इन अ रेसलिंग रिंग। इस प्रोमो बैटल के बाद इनके बीच में रियल बैटल स्टार्ट हुई। इनका मैच शानदार था। मैच के दौरान दिस इज़ ऑसम के चांस लग रहे थे। इस मैच के एंड में ऊसोज ने अटैक कर दिया सो ये डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो गया। फिर भी यहाँ ड्रू मैकइंटायर ने ही स्टैंड टॉल किया। इस सेगमेंट से जो सबसे बढ़िया बात निकल के आई कि अब WWE के अंदर टाइटल, रेसलर, रेसलिंग, फैंस ये वर्ड्स कॉमनली यूज़ कर रहे हैं सब। इसके अलावा एज अ चैलेंजर अब ड्रू मैकइंटायर काफ़ी लेजिट लग रहे हैं क्लैश ऑफ द कासल में। हो सकता है वो सच में रोमन रेंज से टाइटल ले लें। रॉ पर आज फर्स्ट टाइम एवर मैच था बिटवीन बॉबी लैशली एंड एजे स्टाइल्स। इन दोनों की जर्नी काफ़ी सिमिलर रही है, दोनों इंपैक्ट रेसलिंग में भी थे लेकिन इनके बीच कभी कोई मैच नहीं हुआ था आज तक।
ये मैच था यूएस चैंपियनशिप के लिए और बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड था उतना ही अमेजिंग मैच दिया दोनों ने। हाउएवर एंडिंग में बॉबी लैशली ने स्पीयर लगा के एजी स्टाइल्स को यहाँ पिन कर दिया। मैच के बीच में इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दी मिज और चांपा की ओर से। इवन डेक्स्टर लूमिस एक बार फिर से इस मैच में एंटर करने की कोशिश करते हैं क्राउड के बीच से, जिनको एस्कॉर्ट करके बिल्डिंग से बाहर ले जाया जाता है। अच्छी बात यह रही इस मैच से कि अब वीकली शोज़ पर स्टोरी लाइन के साथ साथ रेसलिंग के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया मैचेस रहते हैं वीकली शोज़ के ऊपर भी। मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में मैच था मिस्टर मनी इन द बैंक थियरी वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर का। मैच ठीक ठाक ही था लेकिन इजिली किसी और सेगमेंट या मैच को मेन इवेंट में डाला जा सकता था। थियरी की विक्ट्री भी इस मैच में, और शायद स्ट्रैटेजी यही है कि लोग सिर्फ स्टार्टिंग और मेन इवेंट को ना देखें बल्कि पूरे शो को देखें, इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो शो के बीच में डाली हुई थी। अच्छी बात यह है कि अब 3 घंटे फील नहीं होते क्योंकि पूरा शो एंगेजिंग रहता है। स्मैकडाउन के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें अनाउंसड हैं। रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर फेस टू फेस आने वाले हैं इस अपकमिंग स्मैकडाउन पर। इसके अलावा अपडेट्स हैं कि WWE इंडिया में कोई मेजर पे पर व्यू प्लान कर रही है 2023 में। इसके बारे में कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन आने पर बात करेंगे। फिलहाल ये थी सारी बातें आज रॉ के एपिसोड से। ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, पॉप कल्चर रेसलिंग को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।